ये ब्रिज जो भाषा है ना, हिंदी की जो ब्रिज डायलेक्ट है, उस डायलेक्ट की बड़ी फिल्म है। हाँ। मैं नहीं कर पाऊंगा, मोते ना हो पाओ। ऐसे साकिब is taller than me and I am supposed to be this guy who comes because सर मेरी दाढ़ी भी डिस्कनेक्टेड आती है, अगर आप देखें मुझे एक एक बाल पिरोना पड़ता है वो प्रॉपर बनाने के। सर आपने इतने सारे फिजिकलिटी जो मुझे दी है फिल्म में, उससे तो फिल्म का आधा बोझ तो ही उठा के लेके जाता। Everybody said, "Arey, it reminds us of Johnny Depp from Pirates of the Caribbean and all." Oh. ऐसा कोई इंटरव्यू मेरे साथ मैंने दिया है कि मुझे लगता है कि डराने के लिए हमारे पास लाइफ में इतनी चीजें डरा रही है हमें। अभी फिल्म में भी डरा हो तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा ना लोगों के लिए। साउथ अफ्रीका खेल रही है इंडिया के साथ, लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए, सब उधर हिम्मत कर मत, टांग ऊपर वैसे खड़े। इस बार ना अमिताभ सर ने किया था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, तो उन्होंने फिर पोस्ट डाला कि मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि मैं जब देखता हूँ तब तक हम लोग नहीं जीतते। करेक्ट है। Now he'll not watch any match. Yeah. No, he doesn't. He knows. He watches and shuts it. आपकी शादी हुई मैम? नहीं सर, आपको लग रहा है मुझे देख के मेरी शादी हो गई है? देख के तो बहुत लोगों को नहीं लगता है। नहीं, आप इतना हंस रही इसलिए मुझे शक है कि आपकी शादी हो चुकी है। नहीं हुई है। तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप इसी तरह हंसती रहोगी। मुझे शक है कि आपके पति के जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। तुमने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे हैं? आप बता दो। अरे बाप रे, ऐसे कैसे होगा? आप इनवाइट करो, हम आएंगे नहीं। अगर आपने दरवाजा बंद रखा तो फिर हम जरूर आएंगे। सोनाक्षी एंड हुमा। सोनाक्षी की अभी शादी हुई है तो उसको भूत के पास नहीं भेजूंगा, हुमा को भेज दूंगा। वो आपस में दोनों हुमा को भूत के पास भेज दूंगा, वो भूत को डरा के आ जाएगी। मुझे लगता है कि सोनाक्षी को हम भूत के पास नहीं भेजेंगे, अभी उनकी शादी हुई है, उनको सिर्फ ज़हीर के पास। ओह अच्छा, वैसे बेबी तो घर पे जाने, तो फिर किसके घर पे जाना है? अपने। अच्छा मुझे। So hi साकिब जी, hello आदित्य जी, hello रितेश सर, कैसे हैं? हेलो मैम, I'm good, we are good, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी हूँ क्योंकि अब आप लोगों से मिल रही हूँ। सबसे पहले तो आदित्य सर आपको कंग्रेचुलेशंस मुंजिया के लिए। थैंक यू, कम ऑन, थैंक यू। बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है। नॉट आउट, आज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 104 नॉट आउट से। फोर्थ फिफ्थ वीक। लवली। अच्छा मैंने काकुड़ा का ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि अच्छा है आपने तब फिल्में बनाना शुरू नहीं किया जब मैं पैदा होने वाली थी, क्योंकि अगर आप तब मुंजिया और काकुड़ा ऐसे नाम के साथ फिल्में बनाते तो मेरी मम्मी पक्का मेरा नाम कुछ मुंजिया काकुड़ा टाइप रखती है। पर एक्चुअली मैं बताता हूं आपको, इनफैक्ट मुंजिया के लिए और आई एम श्योर काकुड़ा के वक्त भी ऐसे होगा कि बच्चे ज्यादा फिल्म देखेंगे। हाँ डेफिनेटली। अब वैसे काकुड़ा का मतलब क्या, आपने काकुड़ा क्यों नाम? काकुड़ा उस भूत का नाम है, वेरी क्वर्की, अलग नाम है कुछ। हाँ। काकुड़ा सुनने के बाद आपको लगता है ये क्या है? किसी काका का भूत नहीं, गांव की किसी काका का। बंगाली भूत नहीं है, काकुदा नहीं है, बंगाली नहीं है, वो एक एक्चुअली टर्म है वहाँ की, जिसको जो कुबड़ बना हुआ भूत, ऐसे काफी चीजें हैं उसमें। आप फिल्म देखोगे तो आपको उसके। बट काकुड़ा इज व्हाट भैया, हंचबैक? इट्स यू नो, इट इज नॉट ओनली हंचबैक बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग शब्द वहाँ का। ये ब्रिज जो भाषा है ना, हिंदी की जो ब्रिज डायलेक्ट है, उस डायलेक्ट की बनी फिल्म है। तो पूरी फिल्म में जो बात हिंदी बात हो रही है इनकी थ्रू, इनके गांव के, इनके कैरेक्टर के थ्रू, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें काकुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग शब्द आता है। अच्छा मुझे पता, ब्रिज ये भाषा डायलेक्ट है सर, हिंदी की डायलेक्ट है। समवेयर आई हर्ड द ब्रिज इज अ भाषा एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायलेक्ट। मथुरा के साइड से, पूरी यूपी मथुरा राजस्थान के बॉर्डर से आने वाली तो ब्रिज। हिंदी को ही सर, यू गॉट सेव्ड, यू आर विक्टर जेकब। I was interesting. I was reading, hearing someone who said this. All this bridge and all were original languages earlier, and then later they made it like Hindi as one and them as dialects, but they were not. They're not dialects. They're original languages in itself. I'm sure they were. Okay. अच्छा आपने कहीं बोल के नहीं देखा? Bridge is very interesting. It's like मुझसे नहीं हो पाएगा and they say मोते ना हो पाओ, ऐसे जैसे मोते ना हो पाओ मैं ना कर पाऊंगा। अच्छा कमिंग टू साकिब कैसा लग रहा है सनी बनके? बहुत बढ़िया, एकदम सनी साइड अप लाइक रितेश भाई सेड, बट आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट दिस फिल्म केम टू मी, जस्ट फॉर द रीजन दैट इट जस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एकदम ही कुछ अलग कैरेक्टर, क्योंकि मैं इतना सिंपल्टन गाँव की तरह मुझे किसी ने देखा ही नहीं था। हाँ। जब आदित्य ने स्क्रिप्ट भेजी और मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार ये अच्छा फिल्म मेकर मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो मुझे ये पिक्चर कर लेनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है कि व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई आल्सो रियलाइज इट्स डैम फनी And I got to know Ritesh bhai is there, Sonakshi is there, Asif is there. I'm like, this is going to be a mad film, and I'm getting to play a character जो मैंने कभी किया नहीं है, तो बहुत मजा आएगा. No, and in fact, when we were discussing, when your character's thing was going to who is going to be cast, and he told me, I'm thinking of Shakib. I said, have you seen both of us together? He said, why? I said, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे कि साकिब वो कैरेक्टर is slightly meek, थोड़ा डरा हुआ, he's scared. I said, साकिब is taller than me, and I am supposed to be this guy who comes. Then, yeah, and then I remember other thing. नहीं, he has one thing, ना, one typical word because I worked a lot with him. Sir, the interesting Rahel. It will be interesting too. It will be interesting. I'll tell you what just Ritesh said is, I have never seen Shakib as this really like people have seen him more like that, but वो जो macho action hero types ना मुझे लगता है Shakib does that very well, but there is a bigger side to him that is of बहुत fun and relatable Shakib है वो. ये दोस्त है वो तो वो ना उस space में Shakib को किसी ने present क्यों नहीं किया था? सर आप आगे ना अब आपको जाने नहीं दूँगा. नहीं because इनकी पहली जो फिल्में थी ना वो उसी space में थी. हाँ 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 मेरे dad की मारुति और वो जो फिल्में थी so I remember him more of that. That Shakib that I knew of. नहीं सर तब struggle दूसरी चल रही थी. When I started acting, I was very young and they used to tell me कि अरे यार we can't cast anybody opposite you. We have to always find a new face. So मुझे पता नहीं सर ये था कि कोई हर actress because सर मेरी दाढ़ी भी disconnected आती है अगर आप देखें. मुझे एक-एक बाल पेरोना पड़ता है वो proper बनाने के लिए. So I really wanted to grow up very fast, and I thought the only way to grow up fast is just do action and all. You might just be taken. But you remember the first thing we did when we did his look test was कि shave him off. Oh, कि Shakib की पूरी दाढ़ी एकदम साफ कर दो. Remember that? और मूछ और उसको मूछ और Shakib was so conscious कि मैं मूछ के साथ कैसे नहीं. We had tried different variations. एक पतली मूछ भी बनाई थी हमने वो Chinese type मूछ. मैंने कहा नहीं नहीं सर आंखें भी छोटी हैं. तो फिर कैसा रिएक्शन आया कि कैसा लग रहा हूँ जब फाइनली देखा तो? No, I was very happy यार. I was very happy because मैं कभी भी पिक्चर में ये देख के कोई भी फिल्म नहीं देखता कि अरे यार इसमें तो हीरो जैसा दिखना है या वैसा दिखना है. I'm like ये कैरेक्टर लग रहा हूँ कि नहीं, उस वर्ल्ड का लग रहा हूँ कि नहीं, वैसे बिहेव कर रहा हूँ कि नहीं. And I think वो दूसरे तीसरे दिन I remember we were shooting that lift sequence, your introduction. Yeah. And that is when we see his character for the first time. And I told myself कि you have to forget who you've played before. You have to find the मतलब niceness in this character और एक मासूमियत चाहिए. And after you've worked for so many years, it's very difficult to find मासूमियत यार. But because you've seen so much, I will tell this though. आप एक पोस्टर देखोगे ना फिल्म का जब ये चारों एक साथ हैं. What Ritesh sir just said, he looks the tallest and Shakib looks the shortest. In spite of them, I'm being the otherwise I'm the tallest in the four. Body language ही Shakib ने जो ऐसी adapt कर ली थी ना उसमें वो दिख रहा है कि नहीं सर आपने इतने सारे physicality जो मुझे दी है फिल्म में उससे तो इसके बारे में फिल्म का आधा बोझ तो ये उठा के लेके चल रहा है. चलो रितेश का डर at least वो नहीं हो पाया कि यार मैं छोटा दिखूंगा वो लंबा दिखेगा. अच्छा रितेश सर आप बताओ कैसा चल रहा है क्योंकि एक तरफ क्या चल रहा है और एक तरफ काकुड़ा चल रही है और हर जगह रितेश देशमुख ही हैं. मतलब मेरा लक देखो, मेरा लक देखो. डायरेक्टर 100 crores, Pale is releasing and this is releasing together. Sonakshi Sinha decides to get married. So I'm like, अरे I'm just happy hanging out with these people doing some amazing work यार. Side by side. Correct. No, so it's क्या होता है कि I'm glad कि दोनों रिलीज हो रही हैं. Yes, ideally अगर अलग-अलग दिन पे रिलीज होती तो it have been ideally better to easy to promote. पर it's exciting because for me both of them are poles apart in terms of characters, in terms of genre, and both are exciting. One is a horror comedy. I've not done a horror comedy ever in my career, so this is exciting. Working with Aditya again, he is one of my favorite people to work with. And I not many people know that we are associated with Marathi films before. So I have produced 2 films, in one which I acted and we produced and he directed a film. This film I'm just as an actor, so it's wonderful to collaborate. So it's exciting. And the other one is a serious thriller drama, so that's also exciting. Okay. But one thing I'll tell you this, huh? He is looking the coolest. In Kakuda. The coolest. Yeah, the tattoos on him. the hairstyle. Sir, it's a lot from 2 hours every day that you were had to go through. Worth it. What amazing look. No, but hats off to him. When I remember, we were sitting in my office, we were cutting the hair, and my hair was salt and pepper, like a lot of grey. And then he told me, "Hum log grey rakhe, are you okay with grey?" I said, "I am okay. Are you okay?" "No, it's looking cool. It's like a grey hairstyle look. Beard is slightly grey." So I was most happy that the entire schedule looked good. During an interview, everybody said, "Arey, it reminds us of Johnny Depp from Pirates of the Caribbean and all." Oh. ऐसा कोई interview मेरे साथ मैंने दिया है कि मैं और सोनाक्षी उस दिन interview दे रहे थे। But आप हमारे trailer के नीचे के comments देखना। हाँ। Most comments are talking about his look, where people have loved it. लुक के बारे में ऐसी कोई मेरी धारणाएं नहीं है, गलत धारणाएं। अच्छा, आपको पर्सनली लोगों को डराना ज्यादा पसंद है या हंसाना ज्यादा पसंद है? हंसाना। या आई थिंक ह्यूमर, लाफ्टर, स्माइल इज ऑलवेज ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सो आई एम देयर फॉर लाफ्टर एंड दैट्स व्हाट एक्साइटिंग। इवन इन दिस आप डरा रहे हो, जैसे आदित्य जी कहते हैं कि in a horror comedy you scare them for eventually a laughter, so there's a punch of a laughter for a horror comedy. नहीं मतलब actually मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि आप मतलब भूतों का धंधा बंद कराना चाह रहे हो या क्या है, मतलब वो बेचारे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है डराऊंगा लेकिन फिर हंसाऊंगा भी। मुझे लगता है कि डराने के लिए हमारे पास लाइफ में इतनी चीजें डरा रही है हमें, अभी फिल्म में भी डरा तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा ना लोगों के लिए, तो अभी वैसे भी हम इतने डरते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम कॉन्स्टेंटली डर रहे हैं चीजों से। पर मुझे लगता है थिएटर में लोग जब भी मुंजा देखने आए थे और अभी जब भी घर पे बैठ के लोग काकुड़ा देखेंगे, दे शुड दैट एस्केपिज्म ना इन सिनेमा, आई बिलीव इन। मुझे हमेशा बचपन से सिनेमा एज एन एस्केपिज्म वाला मीडियम ही बहुत हमेशा आई बॉट इनटू दैट। एंड लेट मी टेल यू इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स 80% ऑफ द मूवीज, एनी फिल्म दैट इज बीन वॉच्ड, viewed, any film that is released, 80% of his consumption is at home. Right. I'll tell you why. Because we are a country of say 140 crores, 1.4 billion. And I would say 100 crores are people who watch Hindi films. More or less 80-100 crores. अब 100 करोड़ में 5 करोड़ टिकट जब बिकती है तो which is the highest ग्रॉसर एवर, जिसको रिपीट ऑडियंसों में दूरी छोड़ाऊं, दैट इज 5% ऑफ 100 क्रोर्स। उसका मतलब है कि 95% लोगों ने फिल्में थिएटर में नहीं देखी, करेक्ट, बट देखी घर पे। बट वो 95% में से इवेंचुअली घर पे टेलीविजन पर या जो भी ओटीटी या मोबाइल फोन पर कंज्यूम होती है। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंजम्पशन। लाइक आज मुंजिया इतनी बड़ी हिट है, लेकिन इवेंचुअली इसका 80% कंजम्पशन तब होगा जब ओटीटी पे आएगी, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफ ऑफ अ कंट्री ना, इतने सारे लोग हैं और लोग पसंद करते हैं कॉमेडीज बिकॉज इट इज योर वे ऑफ kind of enjoying films for 2 or 2.5 hours to kind of escape from your everyday reality, daily life and just to have fun. Or more horror comedies because आपको डरने में जो मजा आता है ना, I have seen people who've gone to watch horror films because डरने में मजा आता है। हाँ, डरने में वो सस्पेंस होता है बहुत ज़्यादा कि डर लगेगा थिएटर में बैठ के तो क्या मजा आएगा। ये जो एक फीलिंग होती है ना, ये horror comedies में तो ट्रांसलेट होती है बिकॉज डर भी लगता है और उसके बाद इट्स फॉलोड बाय पंच एंड ह्यूमर दैट वो हंसा भी देता है आपको। I totally agree. अच्छा, आप लोगों में से जैसे कि इसमें दिखाया है कि सोनाक्षी कह रही है कि तो सब एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। कभी आप लोग बिलीव करते थे किसी भी सुपरस्टिशन में या करते हो अभी भी? एज इफ हमारे घर पे होता है अगर किसी ने छींक दिया तो आप जाओ मत बाहर, ये सब जो होता है। एक बात बताता आपको, जब जिंदगी अच्छी चल रही है ना तो कोई सुपरस्टिशन नहीं होता, करेक्ट। जब प्रॉब्लम आती है, जब स्ट्रेस आता है, हर चीज जब लगता है आपको सब दाव पे लग चुका है, ज्यादा साउथ अफ्रीका खेल रही है इंडिया के साथ लास्ट ओवर में इतने रन चाहिए, सब उधर हिल मत कर मत, टांग ऊपर वैसे खड़े, क्योंकि उसके पहले तो आप कूद रहे थे, वो अभी खड़े वैसे, तो या तो फिर एग्जाम आए तो भगवान के पैर छू ले क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अब क्रिकेट मैच खेल रहे नहीं, पहला पैड राइट का पहनूंगा क्योंकि लेफ्ट का लास्ट टाइम पहला कदम राइट रखूंगा ग्राउंड पे। तो ये सब, ये जो सुपरस्टिशन है ना, ये इट्स अ क्रच फॉर ह्यूमन इमोशन। अच्छा नहीं, ऐसे इस बार ना अमिताभ सर ने किया था यार, T20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तो उन्होंने फिर पोस्ट डाला कि मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि मैं जब जब देखता हूँ तब तक हम लोग नहीं जीतते हैं। करेक्ट है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, ये ट्रू नहीं कि उनकी सुपरस्टिशन होगी, हाँ करेक्ट, उसके बारे में। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे व्हाट ही सेड, वो फियर होती है कि हम हारना चाहे, हाँ तो फियर से कभी-कभी सुपरस्टिशन हुआ नहीं, कभी-कभी नहीं, फियर से ही सुपरस्टिशन उनके लिए। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ही तो डाला था, नाउ ही विल नॉट वॉच एनी मैच, नो ही डजंट, ही नोज, वॉचेस एंड शट्स इट। अच्छा, सेट पे कैसा माहौल था? मतलब क्योंकि मैंने देखा खेतों में भी शूटिंग हुई है, गांव वाले सेटअप पे तो हुई है, तो कहीं पर कहीं डर लग रहा था किसी सीन में, रात में कुछ शूट हो रहा है तो मैं जस्ट आई विल जस्ट पुट इन वन वर्ड हियर, एज अ डायरेक्टर आई वुड से कि इट इज अ ट्रीट एज अ डायरेक्टर व्हेन यू गो ऑन सेट टू सी कि आपकी जो कास्ट है, जो प्राइमरी कास्ट है, दैट कास्ट इज गेटिंग अलोंग सो वेल ऑफ द स्क्रीन आल्सो, बिकॉज़ आई बिलीव दिस कि आपके जो एक डायनामिक्स होते हैं ना परफॉर्मेंस के, वो ऑन स्क्रीन दिखते हैं जब भी आप ऑफ स्क्रीन भी अगर आप वाइब अच्छे कर रहे हो तो, और दैट इन दिस फिल्म शोज, एंड आई हैड अ ब्लास्ट ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन डूइंग दिस फिल्म। रियलाइज नहीं हो कि कब शूटिंग हुई और कब, बिकॉज़ वी वोंट सो मेनी नाइट्स एंड I don't enjoy nights. I don't enjoy shooting nights. In fact, he had told me. He had told me when I approached him. मुझे किस्सा बता दे एक्टर के बारे में। अरे हाँ, गाड़ी से उतर गया। नहीं, but he had told me that कितने nights है फिल्म में, बहुत सारे हो गए तो what can we do? I said sir, अभी के horror comedy है। No horror comedy and I think there were some 23 nights we were shooting. And it was very painful. And rain, rain, सब we met everything. अरे नहीं क्या होता है ना, डे शूट का क्या होता है, 6-7 बजे खत्म हो जाती है and I shoot 9 hours. I don't shoot more than that. So day shoot खत्म हो जाता है 7 बजे, घर जाता है, you relax, wind up, then go to sleep, then get up in the morning to shoot. अब यहाँ पर क्या होता है कि बाय द टाइम यू आर गोइंग और हाफ स्लीपी, बाय द आप जाते सीधा बिस्तर में जाके सो जाते हो, यू वेटिंग टू गेट, देन यू वेक अप एट 2 o'clock एंड देन यू रनिंग, ओके एंड देन यू ट्राइंग टू इधर डू जिम, फिगर आउट, नहीं अभी 7 बजे, फिर 5 घंटा वेस्ट करके फिर शूट करना, करेक्ट, नॉट वेस्ट बट स्पेंड करके। तो मॉर्निंग शूट में क्या होता है, यू वेक अप एंड ऑन सेट, अब यहाँ पर यू हैव टू फिगर आउट फॉर फर्स्ट 5 आवर्स व्हाट टू डू, देन गो ऑन शूट एंड देन गेट टायर्ड। हैविंग सेड दैट वी स्टिल हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग, नो नो ग्रेट फन, वी हैड अ ग्रेट फन। ओके, अच्छा रितेश, आपको तो वैसे भी मुझे लग रहा है डरने की बहुत आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे तो ये दिखता है कि आप हर रील में ऑलमोस्ट जेनेलिया कुछ ऐसा कहती हो और आप ऐसे होते हो कि डर ही जाते हो। क्या है कि आपकी शादी हुई मैम? नहीं सर, आपको लग रहा है मुझे देख के मेरी शादी हो गई है, इतना देख के तो बहुत लोगों को नहीं लगता है। नहीं नहीं, आप इतना हंस रही इसलिए मुझे शक है कि अभी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई है। ओके, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप इसी तरह हंसती रहोगी, मुझे शक है कि आपके पति के ये पहले बोल दिया, ये मैं कट करवा दूंगी कहीं मेरा रिश्ता ही ना हो इन सब चक्करों। इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरी वुमन इन अ रिलेशनशिप, अ गुड हस्बैंड शुड ऑलवेज मेक द वाइफ लाफ। एंड ये देखो, ये सारे जो कैमरे कितने हंस रहे, देखो सारे ये सब ऐसे सर हिला रहे, नॉट कर रहे, हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। अच्छा अच्छा, ककूड़ा में सर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि गेट खुला रखना है, दरवाजा खुला रखने का, डर के मारे बंदा गेट बंद रखता है, इसलिए तो ये अलग है, हाँ। कि हमेशा हम वही करते हैं ना कि भूत आने वाला है तो दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। ये हमारा जो ये ककूड़ा है ना, इसका अलग ही ट्विस्ट है कि करेक्ट, इसको चाहिए दरवाजा खुला, और अगर दरवाजा बंद हो तो फिर वो नॉक करेगा, और अगर फिर आप आवाज सुन के दरवाजा खोलोगे तो फिर आपकी खैर नहीं। okay. तो ये जो कोर है फिल्म का, ये आप देखोगे तो आपको दरवाजा खुला रखना है, सो दैट यू आर रेडी टू वेलकम काकुड़ा, बट काकुड़ा डजंट वांट टू कम टू योर हाउस। हमारे भूत का बड़ा ईगो है, इट्स एन ईगो, ईगोइस्टिक भूत। तुमने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे हैं, अब बताता हूं। अरे बाप रे, ऐसे कैसे होगा? आप इनवाइट करो, हम आएंगे नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप इनवाइट करो, हम आएंगे नहीं। अगर आपने दरवाजा बंद रखा तो फिर हम जरूर आएंगे। अच्छा, लास्टली मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहती हूँ। मैं आपको 2 नाम बताऊंगी, अच्छा, ईच वन ऑफ यू, आपको डिसाइड करना है आप इसमें से किसको भूत के पास भेजना चाहते हो और किसको भूत से बचाना चाहते हो, और रीजन भी देना है कि क्यों, ठीक है? द नेम्स आर रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। साकिब, सोनाक्षी एंड हुमा। सोनाक्षी की अभी शादी हुई है तो उसको भूत के पास नहीं भेजूंगा, हुमा को भेज दूंगा बिकॉज वो आपस में दोनों हुमा को भूत के पास भेज दूंगा, वो भूत को डरा के आ जाएगी। अच्छा रितेश एंड सोनाक्षी। रितेश एंड सोनाक्षी, he is the ghost hunter, he'll go meet the ghost, yeah. Oh, सोनाक्षी को किसी हालत में नहीं भेजेंगे। नहीं, because इनके पास सारे गैजेट्स हैं, इन्हीं को तो बुलाते हैं हमारी मदद करने के लिए। Okay, okay, रितेश, सोनाक्षी एंड साकिब। क्या करना है? किसको भेजोगे, किसको बचाओगे? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सोनाक्षी को हम भूत के पास नहीं भेजेंगे, अभी उनकी शादी हुई है, उनको सिर्फ ज़हीर के पास, सिर्फ ज़हीर के पास है, और इनको भूत के पास भेजेंगे हाँ। ये खुशी खुशी लात खा के वापस आ जाएंगे। करेक्ट। ओके, तो वैसे भी ऑलरेडी मैंने देखा था ट्रेलर में कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब तो भाई अब नहीं बच सकता किसी को यार, चले जाएंगे, सोनाक्षी दोस्त है। अच्छा रितेश, जेनेलिया एंड अक्षय कुमार। क्या करना है, किसको भेजोगे, किसको बचाओगे भूत से? नहीं, अक्षय को भेज दूंगा मैं। You can do couple of भूल भुलैयाज़ and come back। ओह अच्छा, वैसे भी तो घर पे जाने, तो फिर किसके घर पे जाना है? अपने। अच्छा मुझे तो कल जाना है, आज बोल सकते हैं, कल से नहीं बोलना है। अच्छा आदित्य सर, साकिब एंड रितेश। तो वही है, वेरी ऑब्वियस आंसर। ये तो फिर आप रितेश पर दोनों भूत को मिल चुके हैं फिल्म में, तो पर ये भूत को हराएंगे और ये भूत से लात खा के भी जिंदा रहेंगे, आई होप सो। तो इनको बचा लूंगा मैं। ओके, साकिब एंड सोनाक्षी। ठीक है, सोनाक्षी सर, सोनाक्षी कहीं जा रही है, अभी शादी हुई है। मैं बोलूं एक्चुअली आपको, सोनाक्षी ने जब ये फिल्म की ना हाँ। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज है फिल्म में, जो आप फिल्म देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। और वो उसी लिए उन्होंने फिल्म की, फिल्म के लिए हाँ उन्होंने उस कारण बोला, तो वो कनेक्टेड है भूत से। आप जब भी देखोगे तभी वो भूत से कैसे लड़ती है और क्या वुमन पावर उन्होंने दिखाई है फिल्म में, वो बढ़िया है। तो मैं सोनाक्षी को डेफिनेटली भूत के पास भेजूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो भूत से लड़के तो जीत के ही आएगी। चलो फाइनली किसी ने सोनाक्षी को भी भूत के पास कॉन्फिडेंस है सोनाक्षी पे। अरे ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, डिसाइड करते हैं किसको भेजना है। कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरे पे अंडर कॉन्फिडेंस है कि मैं भूत को मार पाऊंगा कि नहीं। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आई होप कि सब लोग ककूड़ा देखें, और जितना मुंजिया को एंजॉय किया था उतना ही ककूड़ा को भी एंजॉय करें, डरे भी, हंसे भी। या ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।